हम लगातार अभी ये जो बिटुमिन बन रहा है बरेली से, इसमें सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और CSIR जो डेहराडून इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी मिलकर एक बायो बिटुमिन परली से और बायोमास से बनाने का यूनिट तैयार किया है। मेरे सामने उसकी परीक्षण दोनों ने सर्टिफाई किया है। अब हमारी कल्पना ये कि किसान उसको खरीदी करे और बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो बिटुमिन तैयार करे और उसी क्वालिटी का बनता है। इवन बायो बिटुमिन ये इस पेट्रोलियम बिटुमिन से अच्छे क्वालिटी का है, तो ये अगर होता हम जरूर खरीदेंगे, क्योंकि देश को 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन हमारा इम्पोर्ट होता है। तो इम्पोर्ट के बजाय किसानों को मिलेगा तो किसान अन्नदाता हो गया, ऊर्जादाता हो गया, अब बिटुमिन दाता होगा। जो ऊर्जादाता बना है, जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए है। आप ही लोग मुझे पूछते थे गाड़ी रास्ते में चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी तो क्या होगा, या खींच के गाड़ी लेके जाएंगे क्या, अब कोई नहीं पूछता। इलेक्ट्रिक आ गई, इथेनॉल 20% पेट्रोल में ऐड होने लगा, अब फ्लेक्स इंजन आ रहा है, बजाज TVS हीरो ने स्कूटर ऑटो रिक्शा बना ली, अब टोयोटो सुजुकी की गाड़ियाँ आ रही, अगस्त में टोयोटो की आ रही, और ये गाड़ियों में 100% पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल जाएगा और 40% बिजली तैयार करेगी। तो एवरेज के इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर रेट निकालेंगे तो पेट्रोल का भाव 15 रुपये लीटर आएगा। तो फ्लेक्स इंजन अब देश में अगस्त में आएगा। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मिथेनॉल की, जो कोयले से बनता है, 25 रुपये लीटर। मैंने बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट को 25 बसेस को 20% मिथेनॉल डाल के प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। अब वो सर्टिफिकेट आ गया कि वो सक्सेसफुल हो गया, तो डीजल का इम्पोर्ट कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा। दूसरी ओर अशोक लेलैंड ने अपना एक पूरा ट्रक मिथेनॉल पर तैयार किया। आसाम पेट्रोलियम जो है नॉर्थ ईस्ट में, वो 100 टन मिथेनॉल पर डे बनाता है। तो मैंने आसाम के मुख्यमंत्री को कहा कि आसाम के ट्रक और बसेस ये मिथेनॉल पर कन्वर्ट करो, 110 रुपये डीजल और 25 रुपये मिथेनॉल, कॉस्ट कितनी बचेगी, पोल्यूशन कम होगा। अभी विशेष रूप से मिथेनॉल के ट्रक भी आ रहे, तो मिथेनॉल भी सक्सेस हुआ और 15% मिथेनॉल डीजल में डालने के बारे में भी अब लोग वो आगे विचार हो रहा, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को हमने रिकमेंडेशन दिया, तो वो आ जाएगा तो देश का इम्पोर्ट कम होगा। तीसरी बात जो इलेक्ट्रिक, इसका तो सक्सेस स्टोरी आप देख रहे हैं, कितने बड़े प्रमाण पर राइज है, वेटिंग लिस्ट है, इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही है, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। 5 साल के अंदर देश में आपको इलेक्ट्रिक बसेस दिखेगी, इतनी बसेस आ रही है, और इससे प्रदूषण कम होगा। और उसके साथ साथ हाइड्रोजन की बात आ रही है कि अभी अशोक लेलैंड टाटा ने ऐसी ट्रक और बसेस बनाई है कि जिसका जो IC इंजिन है उसी में हाइड्रोजन डाल सकते हैं। अब हाइड्रोजन की भी सक्सेस स्टोरी हो गई है, अब दूर नहीं है, मेरे पास हाइड्रोजन की कार है, अब धीरे धीरे हाइड्रोजन भी पॉपुलर होगा। तो 16 लाख करोड़ का जो इम्पोर्ट है फॉसिल फ्यूल का, उसमें इतना पोटेंशियल कि ये सब करेंगे तो भी हमारा इम्पोर्ट कम करने में और कठिनाई होगी। तो इन सबको इनकरेज करके पहली बार एग्रीकल्चर को ऊर्जादाता बनाने में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सफल प्रयोग किया। अब इथेनॉल ब्रोकन राइस से, कौन से, बायोमास से, आसाम में बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है। तो ये पर्यावरण के लिए जो हमारे डिपार्टमेंट में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में जो हमने काम किए है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।